सहनावतु सहनौनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 394वीं कक्षा, मीमांसा दर्शन के 10वें अध्याय का दूसरा पाद, इसके 29वें अधिकरण तक अर्थात 68वें सूत्र तक हम पीछे देख चुके थे। आगे पृष्ठ संख्या 307, अधिकरण संख्या 30, शीर्षक है वायव्य पशौ उपदिष्ट श्वेत गुणेन प्राकृत अजद्रव्यस्य अबाधाधिकरणम्। वायव्य पशु, वायु देवता के लिए जो पशु होगा उसके आलंबन का कथन मिलेगा, वो वायु देवता से संबंधित है, तो वायव्य पशु है। उसके विषय में उपदिष्ट श्वेत गुणेन, वहाँ उसका श्वेत गुण वहाँ विशिष्ट कथन किया गया है, विधि वाक्य में श्वेत शब्द आया है, उस गुण के कथन से प्राक। अच्छा, यहाँ जो वायव्य पशु है वो कौन सा, कौन पशु है ये नहीं लिखा है वहाँ पर, बस श्वेत लिखा हुआ है, तो पशु कौन सा लिया जाए इस विचारणा में निर्णय है कि प्राकृत अजद्रव्य से, जो प्रकृति से प्राप्त अजद्रव्य है अतिदेश से, उसकी अबाधा का अधिकरण है। क्योंकि यहाँ पशु विशेष का नाम नहीं लिया गया है, इसलिए प्रश्न उठेगा कि गौ लें, अजा लें, क्या लें। तो उसमें सिद्धांति का पक्ष है कि प्रकृति से प्राप्त अज के लिए ही ये कथन होगा, बस केवल श्वेत गुण उसमें यहाँ पर विहित होगा, ये नया कार्य हो जाएगा। 69वां सूत्र, नैमित्तिक हेतु कार्यत्वात् प्रकृतेः स्यात् तदापत्तेः। तो नैमित्तिक में, नैमित्तिक का मतलब है नैमित्तिक जो द्रव्य है प्रकृति में जो प्राप्त है, जिस द्रव्य को विषय आधार बनाया गया है, नैमित्तिक हेतु कार्यत्वात्, कार्य मतलब विकार, उसमें जो प्रकृति से प्राप्त है उसमें विकार होने से, कार्य का मतलब विकार ले लेते हैं, बदलाव जो है, प्रकृति है स्यात्, प्रकृति का ही वो द्रव्य हो, यानी पशु प्रकृति वाला ही हो, तो क्यों तदापत्ते है, उसकी प्राप्ति होने से, अतिदेश से उसकी प्राप्ति हो रही है। भाष्य, इदम आमनंती, ये वचन मिलता है विपरीत अल्प विराम में, वायव्यम श्वेतम आलभेत भूति कामः, ऐश्वर्य की कामना वाला वायु देवता वाले श्वेत पशु का आलभन करे। अत्र संशय, किम इहापि नाजह पशु कर्तव्य उत आजह पशुरीति, कि यहाँ पर भी प्रकृति, यहाँ पर भी मतलब प्रकृति की तरह से न अजह पशु कर्तव्य, अज पशु नहीं करना चाहिए, अथवा उत अजह पशु, अज ही लेना चाहिए। पूर्व पक्षी कह रहा है उच्यते औत्पत्ति को अयम श्वेत गुण संबंधे श्वेत शब्द, बोले ये जो श्वेत शब्द है वायव्यम श्वेतम, ये जो श्वेत शब्द है ये श्वेत गुण संबंध होने पर, श्वेत गुण का संबंध जिसमें है उस अधिकरण में वहां पर घटता है, और ये जो श्वेत शब्द है ये औत्पत्ति को, हम औत्पत्तिक शब्द है, यानी विधि वाक्य में पढ़ा गया है श्वेत गुण, विधि वाक्य में औत्पत्तिक है, विधि वाक्य में पढ़ा गया है, लेकिन ये श्वेत गुण और श्वेत गुण के संबंध में पढ़ा गया है, यानी श्वेत गुण का संबंध किसी से किया जाएगा द्रव्य का अधिकरण। अतो यह कश्चित श्वेत गुण संबद्ध स आलब्धव्य स आलभ्य, तो जो कोई भी श्वेत गुण वाला हो, अज के अतिरिक्त भी कोई हो, उसका आलंबन करना चाहिए। नहीं श्वेत शब्द प्रत्यक्ष सन कुतश्चित, व की जगह त, कुतश्चित श्वेत द्रव्यात् चोदके न आनुमानिके न निवर्तयितव्य। ये जो श्वेत शब्द है ये प्रत्यक्ष होता हुआ,
प्रत्यक्ष मतलब वाक्य में, वायव्यम श्वेतम आलवेत, इसमें प्रत्यक्ष होता हुआ, साक्षात आता हुआ, कुतश्चित कहीं से श्वेत द्रव्यात्, श्वेत द्रव्य के द्वारा यह हटा दिया जाए, ऐसा नहीं, कुतश्चित श्वेत द्रव्यात्, कौन सा श्वेत द्रव्य, चोदकेन अनुमानिकेन, जो अतिदेश से और जो कि अनुमानिक है, अतिदेश से जो प्राप्त होगा अनुमानिक, और यहाँ विधि में है ये प्रत्यक्ष है, तो वैसे तो अनुमानिक जो है अतिदेश से जो प्राप्त है उसके द्वारा ये श्वेत गुण हटाया नहीं जा सकता है प्रत्यक्ष। तस्मात अजो गौ अन्यो वा श्वेतः आलब्धव्य, तो अजो हो गौ हो या अन्य कोई भी हो उसका आलभन किया जा सकता है। इस पर सिद्धांति कहता है एवं प्राप्ते ब्रूमा, सूत्र का अंश है नैमित्तिके, नैमित्तिके को खोल रहे हैं आगे, एतस्मिन् श्वेत गुण निमित्तके द्रव्य, द्रव्य तो इस श्वेत गुण निमित्तक द्रव्य के विषय में, श्वेत गुण निमित्तक भी श्वेत के द्वारा किसी द्रव्य को संकेतित किया जा रहा है, श्वेत होना चाहिए वो, तो श्वेत गुण निमित्त वाले द्रव्य के विषय में श्वेत शब्दे सति, श्वेत शब्द के होने पर, क्योंकि ये जो श्वेत शब्द है ये केवल गुण को तो नहीं कह रहा है, ये श्वेत गुण वाले द्रव्य को कह रहा है, वास्तव में तो तद्वान को कह रहा है, लेकिन ये श्वेत गुण निमित्त जरूर होना चाहिए, श्वेत गुण वाला इस रूप में द्रव्य को में स्थित होने से, श्वेत द्रव्य सति गुण मात्रम विक्रियते, इसलिए यहाँ पर केवल गुण का विकार किया जाएगा, गुण श्वेत ही होना चाहिए, बाकी द्रव्य जो का तू रह जाएगा। नहीं अत्र जाति विशिष्टम द्रव्यम प्रतीयते, यहाँ श्वेत में श्वेत द्रव्य, श्वेत पशु ले लिया, चलो द्रव्य भी नहीं कहे, पशु आलवन पशु का किया जाता है इस दृष्टि से, प्रकृति से प्राप्त है तो, लेकिन उस श्वेत की जाति विशेष यहाँ कथन नहीं की गई है, तो न ही अत्र जाति विशिष्टम द्रव्यम, कोई नया उससे प्रकृति, कोई नया द्रव्य जाति विशिष्ट द्रव्य न प्रतीयते, प्रतीत नहीं हो रहा है। यदेव आलंब साधन भूतम तदेव परिच्छेदव्यम इत्येतत् वाक्यात् अवगम्यते, इस वाक्य से यानी वायव्यम श्वेतम आलभेता, इस वाक्य से क्या पता लगता है कि जो आलंबन का साधनीभूत द्रव्य है जो भी है, क्योंकि आलभेता लिखा है, वो श्वेत शब्द के द्वारा परिच्छेदव्य है, माने विशेषित किया जाने योग्य है, पृथक किया जाने वाले, परिच्छेदन होना चाहिए, विशिष्ट होना चाहिए। यच्च अस्य चोदक प्राप्तम द्रव्यम साधनम अविरुद्धमानम श्रुत्या प्राप्नोति, तो जो भी इसका चोदक प्राप्त द्रव्य है, अतिदेश प्राप्त द्रव्य है, कौन सा है वो, अज है, जो भी है वो साधन श्रुत्या अविरुद्धमानम, श्रुति से अविरुद्ध होता हुआ, ये जो श्रुति है नाज वायव्यम श्वेतम आलभेता, अगर वहां से अज को ले लेते हैं तो इससे श्रुति का कोई विरोध नहीं हो रहा है, विपरीत नहीं पड़ रहा है, तो श्रुत्या अविरुद्धमानम वो जो द्रव्य साधन है वो प्राप्नोति, प्राप्त हो जाता है, उसमें कोई बाधा नहीं है। तदयम श्वेत शब्द परिच्छेद्यति, तो वो द्रव्य प्राप्त होता हुआ अब श्वेत जो शब्द है उसका, उसको विशेषित कर देगा, पृथक कर देगा, अन्यों से पृथक कर देगा। पूर्व पक्षी कहता है इसमें ननु अजाद अन्यानि अपि द्रव्याणि परिच्छेत्तुम अयम शक्नोति, ये जो श्वेत शब्द है सिद्धांति ने चूंकि कहा कि ये परिच्छेद करेगा यानी विशेषित करेगा, वो तो किसी भी द्रव्य को विशेषित कर सकता है, वो अब पूर्व पक्षी केवल इस वाक्य को देख रहा है, अब वाक्य को देखेंगे तो ठीक है श्वेत शब्द किसी का भी, किसी अन्य द्रव्य का भी विशेषण बन सकता है, तो ननु अजाद अन्यानि अपि द्रव्याणि परिच्छेत्तुम अयम शक्नोति, समर्थ तो है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिद्धांति फिर कहता है कि न ब्रूमो न शक्नोति इति, हम ये नहीं कह रहे कि वो समर्थ नहीं है, हो तो सकता है, लेकिन न तेन परिच्छिन्नेन प्रयोजनम अस्ति, आप परिच्छेद कर भी लोगे तो उससे प्रयोजन क्या निकलेगा, आप किसी दूसरे द्रव्य को ले आए, दूसरे पशु को ले आए, उससे प्रयोजन क्या निकलेगा, अर्थात उससे आप उसका आप आलंबन तो कर नहीं सकते, अब सफेद रंग का कोई वस्त्र ले आए तो क्या उसका आलंबन करोगे, आलंबन उसका होता ही नहीं है, व्यर्थ है, इसलिए समर्थ होते हुए भी श्वेत अकेला शब्द किसी भी का भी विशेषण बन सकने योग्य होने पर भी केवल इस वाक्य से पूर्व के आधार पर
हर किसी द्रव्य को विशेषित नहीं करेगा, ये अज द्रव्य को ही विशेषित करेगा। तस्मात् प्रत्यक्षोपि श्वेत शब्दः छागमेव परिच्छिन्त्यात् नान्यं पशुमिति। तो छाग का ही यानी अज का ही परिच्छेद करेगा, अन्य किसी पशु का नहीं करेगा। यहाँ पर श्वेत शब्द प्रत्यक्ष है और अज को हम परोक्ष रूप से ले रहे हैं, इसलिए हाँ यहाँ जो अज को ला रहे वो प्रकृति प्रकृति से। हाँ जी हाँ, तो जो भाष्य में जो दूसरी पंक्ति आई थी किम यहापि न अजह पशु कर्तव्य उत अजह पशु, हाँ तो यहापि से ये प्रकृति को दिखा रहे क्या दिखा रहे? नहीं, यहापि मतलब विकृति, तो अपि से क्या ले रहे? यहापि का मतलब यहाँ भी, मतलब तो प्रकृति में तो है ही, प्रकृति में तो है, फिर न अजह पशु कर्तव्य ऐसा? नहीं नहीं, यहापि अच्छा आप दोनों से देख रहे हैं, अत्र संदेह संशय न अजह पशु कर्तव्य उत अजह पशु रीति। देखो दूसरी विकृतियों के अंदर बहुत सी जगह अजय नहीं होता है, है? हाँ हाँ हाँ, ठीक है, पिछले के कारण से ये इस बात को इन्होंने लिया है, ठीक है ठीक है। तो इसलिए यहां पर न अजय पशु कर्तव्य, अजय पशु नहीं करना चाहिए इस वचन के कारण से, उत अजय पशु रीति ये प्रकृति के समान करना चाहिए, ठीक है। अगला अधिकरण 31वां, साध्यस्क्रे खले वाल्याम प्राकृत खादिरत्वानियमस्य चित्रेष्टौ तंडुलेषु प्राकृत व्रीही यवा यव अन्यतर नियमस्य च अभावाधिकरणम्। तो साध्यस्क्र या एक दिन में जो तत्काल एक ही दिन में सारी चीजें की जाती हैं ऐसा, और उसमें खले वाली का प्रसंग आता है और खले वाली को ही यूप कहा गया, ये प्रकरण हम पीछे देख चुके हैं। तो खले वाल्याम प्राकृत खादिरत्व अनियमस्य, प्राकृत खादिरत्व प्रकृति में खादिरत्व है, प्रकृति में जो यूप बनेगा खादिरो यूपो भवति, वो खादिरत्व प्राप्त है प्रकृति में, उस प्रकृति प्राप्त खदिरत्व का अनियम किया जा रहा है। सिद्धि सिद्धांत पक्ष है, अर्थात जो खले वाली वाला काष्ठ है वो खदिर का हो यह आवश्यक नहीं है, हो तो हो भले ही हो लेकिन नियम नहीं है, प्रकृति में जो यूप है वो तो खदिर का ही हो। क्या हाँ अंत में ठीक है, खदिरत्व नियमस्य च अभावाधिकरण, अंत में जो अभाव लिखा है ठीक है, यहां तो नियम ही है, खदिरत्व नियमस्य खदिरत्व का जो नियम है उसका यहां पर अभाव होगा यूप में खदिरत्व का। एक तो ये उदाहरण है, दूसरा उदाहरण लगे चित्रेष्टौ, चित्रेष्टि में जहां हवि चित्र विचित्र होती है यानी अनेक मिलकर के की जाती है, चित्रेष्टौ तंडुलेषु तंडुल के विषय में प्राकृत व्रीही यव अन्यतर नियमस्य, प्रकृति में जो व्रीही यव है उनके में से अन्यतर का नियम कोई सा भी ले सकते हैं, उस नियम के अभाव का यहां पर अधिकरण है। 70वां सूत्र, विप्रतिषेधे तदवचनात् प्राकृत गुण लोपः स्यात् तेन च कर्म संयोगात्। विप्रतिषेध होने पर यानी संगत नहीं हो रहा है वहां पर, लागू नहीं हो सकता ऐसे में, विपरीत होने पर तदवचनात् प्रत्यक्ष वचन होने से जो वाक्य मिलेगा उसका वचन होने से प्राकृत गुण लोपः, जो अनुमानिक प्राकृत प्रकृति में जो प्राप्त गुण था उसका लोप होगा, लोपः स्यात्। क्यों? तेन च कर्म संयोगात्, उस वचन से जो प्राप्त है उसी का यहाँ पर कर्म से संयोग होता है, इसलिए उसका विरोध हो जाएगा, प्रकृति से जो प्राप्त है उसका विरोध होने से वो यहाँ पर नहीं हो सकता। भाष्य भूमिका बना रहे, सत्यस्क्रे श्रूयते, ये पहला उदाहरण है, दो चीजों का निर्णय करेंगे यहाँ पर दो अलग अलग उदाहरणों में, तो ये पहला उदाहरण है सत्यस्क्र का। सत्यस्क्र श्रूयते विपरीत अल्पिराम में खले वाली यूपो भवति इति, तत्र संदेह किम खादिरश्चोदकेन प्राप्यते, खादिर मतलब खदिर का काष्ठ, वो अतिदेश वचन से प्राप्त हो रहा है यहां पर सत्यस्क्र में खले वाली में,
तात्पर्य उसी को खोल रहे हैं, स खले वाली कर्तव्य अथ न प्राप्यते। चोदक से अगर प्राप्त होगा तो स खले वाली कर्तव्य, उस खले वाली को करना चाहिए। क्या करना चाहिए? युग करना चाहिए। ऐसा सह खले वाली कर्तव्य अथ न प्राप्यते, अथवा वो प्राप्त नहीं हो रहा है। खले वाली जो है वो खादिर हो, ये प्राप्त हो रहा है अथवा नहीं प्राप्त हो रहा है। नहीं प्राप्त हो रहा है तो उसके अंदर इस तरह विकल्प देख रहे हैं, खादिर या खादिरी, मतलब खादिरी और अखादिरी वा खले वाली स्यात, खदिर की हो या खदिर की नहीं हो तो भी, क्योंकि खदिर का नियम जब नहीं रहेगा तो उसमें खदिर ना हो ये भी कोई बात नहीं है, कि कुछ कोई भी हो सकता है। तो ये विकल्प वाला पक्ष है, ये एक बात हो गई। अब दूसरा उदाहरण ले रहे हैं, तथा चित्रायाम श्रूयते, चित्रेष्टि में ये वचन मिलता है। पूर्ण विराम हटा दीजिए और आगे विपरीत अल्प विराम में दधि मधु घृतम पयोधाना उदकम तंडुलाह तत्संसृष्टम प्राजापत्यम भवति इति, बंद कर लीजिए। तो प्रजापति देवता वाली हवि क्या है? दधि भी होगा, उसमें मधु भी होगा, घृत भी होगा, दूध भी होगा, दाना, उदक और तंडुल, ये सब संश्लिष्ट होंगे, मिले हुए होंगे। ये चित्रेष्टि है, चित्र विचित्र चीजें मिली जुली रहेंगी। प्रजापत्यम भवति इति, तत्रापि संदेह, पूर्ण विराम हटा दीजिए। क्या संदेह है? किम बृहश्चोदकेन प्राप्यन्ते, यहां जो मूल वचन था इसमें उदकम तंडुलाह तत्संसे, तंडुल शब्द पर केंद्रित है चर्चा। तो किम व्रीहयश्चोदकेन प्राप्यन्ते, ये तंडुल किसके हों? तो प्रकृति में तो व्रीही के तंडुल कहे गए थे। तंडुल का मतलब केवल व्रीही के ही जो हों उसी के लिए तंडुल नहीं है, तंडुल शब्द तो औरों के लिए भी प्रयोग हो जाएगा। तंडुल क्या होते हैं? एक दल वाले होते हैं और तुष रहित होते हैं, जिसका दल एक होता है। दो, एक तो द्विदल होते हैं, द्विदल मतलब तो दालें जितनी हो गई या मूंगफली और उड़द आदि राजमा, ये सब जो द्विदल हैं, और गेहूं जो ये चावल हम बोलते हैं, ये सब एक दल वाले हैं, एक दल वाले होते हैं। तो तंडुल जो होता है तुष के रहित, एक दल वाला जो होता है उस सबको तंडुल कह देंगे। कई और भी पौधे हो सकते हैं जिसके बीज एक जैसे हों, उसको भी हम उसका तंडुल कहेंगे। यानी तंडुल शब्द केवल व्रीही वाले के लिए ही नहीं है, हालांकि अधिकतर उसी के लिए प्रचलित है, लेकिन वो तंडुल शब्द तो केवल एक दल और निस्तुष के लिए प्रसिद्ध है, ये मूल इसका अर्थ वो है। तो इसलिए ये प्रश्न कर रहा है कि बृहयश्चोदकेन प्राप्यन्ते, भाई तंडुल शब्द तो यहां पर लिखा है, वो तंडुल हो किसका, किसका तंडुल हो? तो प्रकृति से व्रीही प्राप्त हो रहे हैं। कि बृहश्चोदकेन प्राप्यन्ते अर्थात व्रीहास तंडुलाह कर्तव्य, व्रीही वाले, व्रीही से निकले हुए तंडुल होने चाहिए। उतना प्राप्यन्ते, कर्तव्य के बाद अल्प विराम, फिर उतना प्राप्यन्ते अथवा व्रीही प्राप्त नहीं हो रहे हैं, तो व्रीहा अव्रीहा व तंडुला उपादत्तव्य, चाहे व्रीही के हों चाहे अव्रीही के हों वो ले सकते हैं। तो इसमें एक तो मैंने आपको ये बताया कि व्रीही जो, जिसको हम चावल या धान कह देते हैं, उसके अतिरिक्त के भी हो सकते हैं। दूसरा, जिसको हम चावल कहते हैं उसमें भी अनेक प्रजातियां हैं और उसमें व्रीही एक प्रजाति है। समस्त चावलों के लिए व्रीही शब्द का प्रयोग नहीं है, अभी प्रचलित है, लेकिन वो अलग अलग ना, व्रीही मतलब विशेष प्रकार का चावल ही होता है, उसको लेकर के चर्चा है। क्योंकि इन्होंने, मीमांसा कोशकार ने लिखा कि केचित कृष्णाः, कुछ कृष्ण नाम के होते हैं चावल ही, ये भी कृष्ण नाम के चावल हैं। केचित आशवो नाम, कुछ आशव नाम के हैं, ऐसा प्रचलित रहा होगा उस समय। इनकी विशेषता बताई, ये अल्पकालीन फलंती, कम समय में पक जाते हैं। जैसे साठी चावल के लिए कहा जाता है 60 दिन के अंदर हो जाते हैं, षष्ठी का षष्ठी रात्रि न पच्यन्ते आदि, ऐसे ये कृष्णा और आशवो ये भी वो प्रजातियां हैं जो कम समय में पक जाती हैं। केचित महावृहयो नाम, केचित
आंबाह नाम, तो महावृही भी नाम है कुछ का और कुछ का आंबाह, ये भी नाम है, ये चावल की ही प्रजातियां हैं। तो अब इस प्रश्न को आप दूसरे ढंग से देख सकते हैं कि तंडुल लेना है, मान लो चावल ही लेना है, तो कौन सा वाला लेना है, व्रीही वाला लेना है, साठी चावल वाला लेना है, या कृष्ण वाला लेना है, कौन सा लेना है, इस रूप में भी इस स्थिति को हम देख सकते हैं। तो प्रकृति में व्रीही लिखा हुआ है, तो व्रीहा अव्रीहा वा तंडुला उपादतव्या इति, तो व्रीही एक जाति विशेष हो गई चावल की। तो किम तावत प्राप्तम, तो पूर्व पक्षी बोलता है खादिर आदि खले वाली कर्तव्या, तो खादिर आदि, आदि मतलब प्रारंभ करके या तो जो मुख्य कारण होता है उसको कथन कह रहे हैं, खादिर आदि खले वाली, खले वाली खादिर होनी चाहिए, व्रीहस तंडुला कर्तव्य, और तंडुल भी जो है वो व्रीही वाले ही होने चाहिए। क्यों, चोत के न खादिरादयो व्रीह यश्च प्राप्नुवन्ति, अतिदेश वचन से दोनों प्राप्त हैं, एवं चोदकानुग्रहो भविष्यति, तेषां प्राप्तानां खले वाली त्वं विधीयते। अब पूर्व पक्षी ये देख रहा है, जो हमारा विषय वाक्य था खले वाली उपोभवति, इसमें अर्थबोध क्या है, विधि किसकी की जा रही है, वो तो कहते हैं तेषां प्राप्तानां, वो जो प्राप्त थे कौन, खादिर यूप जो प्राप्त था, उसका खले वालित्व विधि विहित किया जा रहा है, उसका खले वालित्व विहित किया जा रहा है का मतलब क्या हुआ, यूप जैसा है जिस काष्ठ का है वो सारे करके अब उसको खलिहान में डालना है, गाड़ना है, अब ये उसका खले वालित्व विहित किया जा रहा है, ऐसा पूर्व पक्षी कह रहा है। अब इसमें देखना है कि खले वाली यूपो बहुत ही, इसमें विधि क्या है और अनुवाद क्या है, पूर्व पक्षी ने किस तरह प्रस्तुत किया, खले वाली भवती यूप, यूप को तो अतिदिष्ट कर उद्दिष्ट कर रहा है और खले वालित्व का विधान कर रहा है, खले वाली यूपो भवती, अब क्या अर्थ लें इसका, यूप खले वाली होता है या खले वाली को यूप किया जा रहा है, दोनों तरह से लगा सकते हैं ना इसका अर्थ, तो है खले वाली को यूप कर रहे हैं या यूप को खले वाली कर रहे हैं, नहीं नहीं खले वाली को यूप, देखो यूं कहा ना यूपो भवती यूप होता है, यूपो भवती यूप होता है, यूप क्या होता है, खले वाली होता है, खले वाली को यूप का विशेषण बना दिया, यूप कैसा होता है, खले वाली यूप होता है, एक तो ये तरीका है, यूप को भवती से जोड़ करके यूप होता है, और जोड़ते हुए भी वास्तव में खले वाली यूप होता है, इसमें विशेषण विशेष्य बना करके नहीं, एक तो उद्देश्य एक विधेय तो होगा ही, जब हम यूं कहते हैं कि जो यूप है वो खले वाली होता है, तो खले वाली को भवती से जोड़ रहे हैं हम, खले वाली यूपो भवती, अभी जो पूर्व पक्षी ने अर्थ किया ना, इसमें ये क्रिया को क्रिया के साथ खले वाली को जोड़ रहा है, यूपह खले वाली भवती, भवती के साथ में खले वाली को जोड़ रहा है, सिद्धांति उल्टा देखता है, यूपो भवती यूप होता है, अभी आगे आएगी चर्चा, कौन यूप होता है, वो जो खले वाली है, ये खले वाली को उद्दिष्ट करके वो यूप होता है, तो भवती के साथ किसको जोड़ेंगे, खले वाली भवती या यूपो भवती, ये जो पास में है ये हेतु है लेकिन ये नियम तो खैर शास्त्रीय उसमें हो सकता है, कई जगह विरुद्ध भी हो सकता है, कहीं आपत्ति आ रही हो, लेकिन जो हम सामान्य भाषा में बोलते हैं ना, सामान्य भाषा में बोलते हैं, हम इसको आगे पीछे करके भी बोल देते हैं, सदा ये नियम नहीं लगाते हम, ये शिथिलता कहो हमारे वाक्यों में, कि क्रिया के साथ में जो जुड़ा है वो ही होता है, नियम तो ये होगा, लेकिन अब इसी वाक्य को मतलब खले वाली यूपो भवती की जगह यूपक खले वाली भवती ऐसा वाक्य लिखा होता तो संस्कृत में आगे पीछे कर दो तो भी अर्थ भेद होता ही नहीं है, उद्देश्य विधेय बदल जाएंगे, अर्थ में भेद आ जाएगा और फिर क्रिया में भी भेद आ जाएगा, कर्मकांड कर रहे होंगे तो, ये विधि हो गई ना, तो इसके आधार पर अलग अलग विधि हो गई तो कर्म में भेद आना ही है। तो पूर्व पक्षी कह रहा है तेषां प्राप्तानां खले वालित्वं विधीयते, खले वालित्व का विधान किया जा रहा है, यानी खले वाली भवती ये कह रहा है वो।
यो यूपह स खले वाली कर्तव्य यो यूपह, ये उद्दिष्ट किया, उद्देश्य हुआ और खले वाली कर्तव्य विधि हो गई। और इसकी पुष्टि में बोला है शक्यते ही यूपह खले वाली कर तुम, और यूप को खले वाली कर ही सकते, वहां गाड़ सकते, इसमें कौन सी आपत्ति, असंभव होता तो फिर भी बाधित करते आप, संभव है, शक्यते, शक्यते ही यूपह खले वाली कर तुम, लेकिन न खले वाली केनचित प्रकार न यूपो भवती। और आप जो अर्थ कर रहे हो कि जो खले वाली है उसको यूप करना है, बोले खले वाली तो यूप हो ही नहीं सकती है, खले वाली यूप कैसे होगी, यूप के जो धर्म है वो खले वाली में है ही नहीं, वो गुण है ही नहीं, गुण नहीं है तो खले वाली को आप यूप कैसे कर सकते हो, उसका खंडन कर दिया इसने। खादिरादी नाम ही काष्ठानाम संस्कार यूप क्रियते छेदनादि भी न तो अन्य शाम, तो खले वाली यूप क्यों नहीं हो सकती, उसको बता रहा है कि खादिरादि काष्ठों के, विशिष्ट काष्ठों से ही के संस्कारों से यूप किया जाता है, छेदन आदि से, न तो अन्य शाम, अन्य काष्ठों से नहीं किया जाता है। तत्र यूपो भवति इति यूप कार्य भवति इत्युक्तम स्यात्। तो तत्र का मतलब है विषय वाक्य में खले वाली यूपो भवति, तो इसमें जो यदि पूर्व पक्षी कह रहा है ये, तो सिद्धांति जिस तरह से अर्थ ले रहा है उसमें दोष दिखा रहा है यहां पर, कि यदि आप ये कहोगे कि जो खले वाली है वो यूप हो जाएगी, उसको यूप कह लेंगे, तो क्या होगा, तत्र यूपो भवती, अगर आप यूप को भवती के साथ में जोड़ रहे हो, यूपो भवती थी यूप कार्य भवती इत्युक्तम भवती, फिर तो आपका अर्थ क्या निकलेगा, ये जो खले वाली है ये यूप के कार्य में होती है, यानी जो कार्य आपको यूप से लेने थे वो कार्य आपको खले वाली से लेने, यही तो अर्थ निकलेगा। तो यहां तो यूपो भवती यूप लिखा हुआ है और आप अर्थ ले रहे हो यूप कार्य भवती, आप लक्षणा में जा रहे हो यहां पर, अगर यूप को भवती से जोड़ोगे तो लक्षणा होगी, एक गौर होगा, दोष दिखा रहा है, अनिष्ट दिखा रहा है, कि यूपो भवती इति यूप कार्य भवती इति उक्तम स्यात्, ये कहना पड़ जाएगा आपको, अनिष्ट होगा, दोष आगे बता रहे हैं, तथा लक्षणा शब्दो भवे, तो फिर तो यूप शब्दों में लक्षणा करनी पड़ेगी, और मैं जो अर्थ कर रहा हूं वो तो अभिधा से कर रहा हूं, ये एक विषय को इसने बोल दिया। आगे पूर्व पक्षी दूसरे उदाहरण के लिए कह रहा है, व्रीहिणाम अपि तंडुलाश चोदकेन प्राप्ता एव, और व्रीहियों के भी तंडुल चोदक वचन से प्राप्त ही है, तेषां तद्भूतानां पिष्टभावं प्रत्याख्याय देवता संबंधः क्रियते। तो यहां पर क्या किया जा रहा है, तेषां, तेषां मतलब उन तंडुलानां, तद्भूतानां जो कि व्रीहिमय है, उनका पिष्टभावं प्रत्याख्याय, वहां तो पीस लेते थे, पुरुडाश बनाना है तो पिष्टभाव होता है, चूर्ण बनाते हैं, तो पिष्टभाव का निषेध करके केवल देवता के साथ संबंध किया जा रहा है। ये जो वाक्य था ना, इसमें प्राजापत्यम भवती तंडुलास तत्संश्लिष्टम प्राजापत्यम भवती, भाई ये जो तंडुल शब्द है ये क्या किया जा रहा है, तो बोले तंडुल शब्द से कोई नई विधि नहीं की जा रही है, तंडुल तो जो व्रीही के तंडुल प्राप्त थे वो यथावत रहेंगे, लेकिन तंडुल शब्द ये बता रहा है कि उसको चूर्ण नहीं करना है, उसको यथावत पूरा संपूर्ण रखना है और उनको मिला करके करना है, तो एक तो पिष्टभाव का प्रत्याख्यान हो गया, तंडुल को तंडुल के रूप में रखना है यानी साबुत रखना है, और प्राजापत्यम भवतियां देवता के साथ संबंध का विधान किया जा रहा है, बस इतना ही है, तो यथा प्राप्त जो होगा वो होगा। तस्मात खादिरादय तस्मात् खादिरादयः खले वालित्वम् आपादयितव्यः। तो खादिरादि जो हैं वो खले वालित्व को प्राप्त कराएंगे, यानी वो खले वाली जो है वो खदिर की होनी चाहिए, और व्रीहश्च तंडुल भावम् आपादयितव्यः, और तंडुल भाव को व्रीही को ही प्राप्त कराना है, यानी व्रीही को ही लेना है, ये पूर्व पक्षी ने अपनी बात रखी, एवं प्राप्ति ब्रूमा, इसमें सिद्धांति बोल रहा है। विप्रतिषेधे एतस्मिन्, सूत्र में जो विप्रतिषेध है उसके लिए कह रहे हैं, इस विषय में विप्रतिषेध होने पर, होने से प्राकृतस्य गुणस्य लोपः स्यात्। सूत्र में जो कहा प्राकृत गुण लोपः स्यात्, तो इन्होंने कहा कि प्राकृत गुण का यहां पर लोप हो जाएगा, तो विप्रतिषेध है तो निर्णय लेना ही पड़ेगा, सामान्य रूप से पूर्व पक्ष की बात ठीक है, लेकिन चूंकि विप्रतिषेध हो रहा है इसलिए वो बात नहीं ली जा सकती। तो पूर्व पक्षी पूछता है कथम विप्रतिषेध है, विप्रतिषेध बताओ कैसे हो रहा है, सिद्धांत कहते हैं तत्वचनात्, बोले इसी वचन के कारण से जो विषय वाक्य हमने लिया इससे विप्रतिषेध हो रहा है, क्यों, खले वाल्या यूपता विधीयते न यूपस्य खले वालिता,
बोले इस वाक्य में खले वाली यूपो भवती, इसमें खले वाली की यूपता का विधान किया जा रहा है, जो खले वाली है उसकी यूपता का विधान किया, उसमें यूपत्व को विहित किया जा रहा है। न यूपत से खले वाली था, यूप को खले वाली नहीं बनाया जा रहा है यहां पर। और ऐसा होने पर तथा, तथा मतलब तथा सती अव्यवहितेन भवति ना संबंधात प्रत्यक्षम वाक्यम। और जब हम ऐसा लेते हैं, कैसा लेते हैं, यूप का यहां पर विधान किया जा रहा है, उस स्थिति में अव्यवहित भवति के साथ में संबंध होने से वाक्य प्रत्यक्ष होता है, वाक्य का प्रत्यक्ष अर्थ आ रहा है सीधा सीधा। यानी भवति को, यूप को भवति के साथ में जोड़ रहे हैं तो ये अव्यवहित संबंध है, बीच में कोई पद नहीं है, इसलिए ये प्रत्यक्ष वाक्य हुआ। इतर था, यानी जैसा पूर्व पक्षी ले रहा है वैसा माने तो व्यवहितेन परोक्षम स्यात्, परोक्षम वाक्यम स्यात्, वाक्य परोक्ष हो जाएगा फिर। व्यवहित मतलब खले वाली को भवति के साथ में जोड़ेंगे तो। आगे बोल ही रहे हैं खले वाली शब्दश्च, आगे ना खले वाली शब्द के लिए कह रहे हैं कि ये जो खले वाली शब्द है वो किस किस पे लागू होता है, खले वाली शब्द की अनवर्थता क्या है, कि यह खले वारणे प्रवर्तते तस्य वाचका। खले वाली शब्द जो है, जो खल में, खलिहान में, वारण में प्रवृत्त होता है, बलिवर्द आदि के वारण में, यानी उसको बांध देते हैं तो फसल को खाता नहीं है या निश्चित जगह पर रहता है, तो उनके वारण में, उनके रोकने में, प्रतिबंध में प्रवृत्त होता है, उसका वाचक होता है ये खले वाली। तथा भूतश्च यूप कार्य विनुच्यते, और वो तथाभूत होता हुआ खले वाली के रूप में होता हुआ यूप के कार्य में उसका विनियोग किया जा रहा है। इसको अपने अर्थ को बता रहे हैं उस वाक्य का, खले वाली यूपो भवती का, या खले वाली स यूपायति, जो खले वाली है वो यूप होती है, यानी खले वाली उद्देश्य हो गया, यूप विधेय हो गया, यूपत्व विधेय हो गया वहां पर। शक्यते च यूप कार्य विनियोग, तुम इसको यूप कार्य में लगाया जा सकता है, जैसे उसने कहा था ना कि यूप को खले वाली की तरह वहां गाढ़ा जा सकता है, तो बोले खले वाली को भी यूप के कार्य में लिया जा सकता है, शक्यते संभव है। और यत्तु यूप शब्द कार्य लक्षणार्थ इति, और जो आपने आक्षेप दिया था कि यहाँ यूप शब्द कार्य में लक्षणा के लिए हो जाएगा, कार्य मतलब यूप कार्य में लक्षणा हो जाएगा, ये जो आपने आक्षेप दिया था उसका उत्तर दे रहे हैं। इति ये जो कहा था पूर्ण विराम की जगह अल्प विराम, तो व्यवधानात लक्षणा अपि ज्यायसी, व्यवधान की अपेक्षा तो लक्षणा बलवती होती है। अब ये एक नियम बता रहे हैं कि एक तो व्यवहित के साथ जोड़ करके अर्थ निकालें और एक लक्षणा करनी पड़े, तो दोनों में से लक्षणा बलवती होगी, यानी लक्षणा के अनुसार किया जाएगा। व्यवधान से जो अर्थ निकाल रहे हैं वो दुर्बल है, अर्थ तो निकलता है लेकिन लक्षणा लग रही है तो, लक्षणा संगत लग रही है तो वो ही लिया जाना चाहिए, प्राप्ति दोनों की दिखा दी। व्यवहित से भी संबंध जुड़ जाता है, जोड़ सकते हैं, लेकिन लक्षणा अधिक बलवती है इसकी अपेक्षा। तो व्यवधानात लक्षणा ज्यायसी, क्यों है व्यवधान से लक्षणा बलवती, उसके लिए हेतु दे रहे हैं कि प्रत्यक्षम ही लक्षणायाम परोक्षम व्यवधाने वाक्यम। वाक्य है, इसको दोनों जगह जोड़ेंगे कि प्रत्यक्षम ही वाक्यम लक्षणायाम, लक्षणा करने में वाक्य का प्रत्यक्ष अर्थ आ रहा है, और परोक्षम व्यवधाने, व्यवधान करके जो अर्थ करते हैं तो परोक्ष अर्थ आ रहा है, व्यवधाने परोक्षम, व्यवधान होने पर परोक्ष अर्थ आ रहा है, तो दोनों में ही वाक्य का अर्थ आ रहा है। वाक्य के अर्थ में एक प्रत्यक्ष अर्थ आ रहा है, एक परोक्ष अर्थ आ रहा है, तो प्रत्यक्ष बलवान होता है परोक्ष से। इस नियम से लक्षणा व्यवधान से बलवती है, ये नियम कर दिया। तस्मात यत जातीय से वृक्षस्य खले वाली कृता, तो जिस जाति वाले की भी वृक्ष की खले वाली की गई है, तत् जातीय से यूप कार्य विनियोगतव्या, उसी वृक्ष की विनियोग, उसी वृक्ष की यूप के रूप में प्रयोग कर ली जाएगी, यानी किसी भी वृक्ष की हो सकती है। नैनाम चोदको विशेष अवस्थापय तुम शक्नोती, ये जो चोदक वचन है खले वाली यूप बहुत नहीं, नैनाम चोदको विशेष अवस्थापय तुम शक्नोती, हाँ चोदक वचन मतलब प्रकृति से जो प्राप्त है कि खादिर यूप होता है, वो जो बात थी, वो जो अतिदेश वचन है इसको विशेष में अवस्थापित नहीं कर सकता है, वो अनुमानिक है। आगे प्रत्यक्षा स्तुति ही तथा चोदकेन बाधिता स्यात, और अगर ऐसा करो तो, ये अनिष्ट बता रहा है सिद्धांति, प्रत्यक्षा स्तुति तथा सती, तो अगर वैसा करें तो प्रत्यक्ष जो स्तुति है
ये जो स्तुति मतलब खले वाली यूपो भवती, ये खले वाली की स्तुति है। एक खले वाली तो सामान्य चीज थी, उसको यूप की जगह लाया जा रहा है तो उसकी स्तुति ही तो हो रही है। यूप जैसे महत्वपूर्ण कार्य में, दैवीय कार्य में उसका प्रयोग किया जा रहा है। तो जो प्रत्यक्ष स्तुति है ये चोदक से बाधित हो जाएगी अगर आप अतिदेश को लेकर के आओगे तो। इसमें नीचे पाठभेद है प्रत्यक्षाही श्रुति, तो जो श्रुति प्रत्यक्ष थी, पीछे प्रत्यक्ष कह ही रहा था, प्रत्यक्ष श्रुति वो चोदक से यानी परोक्ष से बाधित हो जाएगी, ये दोष आएगा। तस्मात् न खादिरादि नियमायति, इसलिए खादिर का इसमें नियम नहीं बनेगा। खादिरादि का मतलब व्रीही का भी इसमें नियम नहीं बनेगा। बोलिए आचार्य जी, इसमें ये लक्षणा क्यों ले रहा है, सिद्धांत क्यों स्वीकार कर रहा है इसमें लक्षणा है यूप तो, में ये यूप शब्द तो यूप है, श्रुति तो यूप को कह रही है, यूप कार्य को थोड़ा ना कह रही है, तो यूप से संबंधित कार्य में जी। भाई अभिधा से आप ले हो तो खादिर यूप होता है, तो खादिर को यूप बनाना पड़ेगा जी। जी जो कार्य है वो तो चोदना से प्राप्त हो जाएगा, वो तो प्रकृति से जो कार्य आएंगे यूप के संबंधित वो तो नहीं, कैसे प्राप्त होगा, तो अभिधा से तो नहीं, श्रुति से तो नहीं आ रहा है ना, यहाँ शब्द तो यूप लिखा हुआ है, यूप कार्य थोड़ा ना लिखा हुआ है, लिखा तो नहीं है ये तो ये। आप जो अर्थ ले रहे हो ठीक है, वो यूप कार्य ही यहाँ अर्थ निकलेगा, लेकिन वो लक्षणा में तो जा ही रहे ना, जैसा यथावत लिखा है वैसा ना करके उससे थोड़ा अतिरिक्त उससे संबद्ध अर्थ ले रहे हैं ना, यहाँ यूप अर्थ ले रहे हैं, यूप का कार्य अर्थ ले रहे हैं जी। सिद्धांति तो कार्य ले रहा है, यूप का कार्य ले रहे ना, तो इसलिए स्वीकार कर रहा है कि लक्षणा है, लेकिन लक्षणा होते हुए भी जी ये बलवती है, ऐसा ही लिया जाना चाहिए जी। मैं इसमें ये कहना चाह रहा था कि इसमें यूप ही लिया जाए और जो उसके कार्य हैं वो तो चोदक वचन से वो तो प्राप्ति हो जाएंगे, क्योंकि यूप के लिए जो करना होता लिया जाए, हाँ यूप ही लिया जाए, कार्य ना लिया जाए। और फिर ये वाक्य क्या कहेगा, बिल्कुल कि खले वाली जो है हाँ वो यूप होता है, नहीं यूप कैसे होगा, यूप के तो लक्षण है, वो खादिर होना चाहिए, फिर उसमें जोषण तक्षण ये जो सारे कहे गए हैं इसमें तो नहीं किए गए हैं, ये जो अभी खड़ा है खलियान में इसमें तो ये चीजें नहीं है, और बिना धर्मों के उसकी यूप संज्ञा ही नहीं हो पाएगी। अच्छा अगर हम इसको यूप संज्ञा के रूप में भी लें कि जो खले वाली है उसको यूप कहते हैं, भाई इस कहने का प्रयोजन क्या हुआ, आपने संज्ञा रख दी, संज्ञा रख दी तो संज्ञा की संज्ञाकरण का प्रयोजन क्या है, वो तो कार्य ही तो प्राप्त कराओगे जी, साध्यस्क्र है, अब इतने कहां करेंगे, लेकर के आएंगे यूप बनाएंगे करेंगे पूरी विधि करेंगे, एक दिन में कहां से होगा, इसीलिए तो ये एक प्रक्रिया है कि चलो इसको यूप मान लो, वो बना बनाया है तैयार है, उसमें कोई समय नहीं लगेगा, तो उसको यूप संज्ञा भी की गई, तो वो यूप संज्ञा उसके यूप के कार्यों को प्राप्त कराने के लिए ही तो है। तो चूंकि सीधे सीधे केवल यूप शब्द पढ़ा गया है और अर्थ हम वहां पर फिर कार्य में ले रहे हैं, इसलिए लक्षणा मान रहे हैं, पर लक्षणा जब अविदा संभव नहीं होती है तो लक्षणा ली ही जाती है, उसमें दोष नहीं है। आगे अगला अधिकरण, ये 32वां अधिकरण है, इसमें 31 लिखा है, शीर्षक है खले बाल्याम तक्षणादीनाम अनुष्ठानाधिकरणम, वही खले वाली का विषय है, अन्य धर्मों के बारे में चर्चा कि जिसमें तक्षण आदि होते हैं, तक्षण जोषण उच्छ्रयण ये जो अन्य धर्म होते हैं वो सब उसमें करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, तो खले वाली में तक्षणादि नाम अनुष्ठान आदि करना, उनका अनुष्ठान या नहीं करना चाहिए, ये सिद्धांति का पक्ष है। सूत्र है 71वां, परेशाम प्रतिषेधः स्यात्, परेशाम मतलब परेशाम गुणानाम अन्य गुणों का प्रतिषेध हो जाए। खले वाल्याम एव संचय किम तक्षणम जोषणम उच्छ्रयणम इत्येवम आदयः पदार्थ कर्तव्याना इति, इस खले वाली काष्ठ में ये सब करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। किम प्राप्तम, पूर्व पक्षी कहते हैं चोदकानुग्रह कर्तव्या इति, अतिदेश वचन से होना ही चाहिए ये सिद्धांत। एवं प्राप्ते ब्रूम परेशान प्रतिषेध स्यात्, सूत्र है ये, खोल रहे हैं उसको आगे, तथा भूतस्य ही यूप कार्य विनियोग। तथा भूत का मतलब है कि जैसी वो खले वाली है, जैसी भी है वो, तथा भूत खले वाली का ही यूप कार्य में विनियोग है। खले वाली
भूतस्य ही यूप कार्य विनियोगे कृते कृतः शास्त्रार्थो भवति। और खले वाली को जैसी है वैसी की वैसी ही यूप कार्य में जब हम उसका विनियोग करेंगे तभी शास्त्र का अर्थ कृत होता है, यानी चरितार्थ होता है। कृते शास्त्रार्थे न अपरस्मै गुणाय यतैतव्यम्। और जब शास्त्र का अर्थ संगत हो ही रहा है तो फिर अन्य गुण को करने की आवश्यकता नहीं है। हमारा प्रयोजन तो यह है ना कि जैसा शास्त्र में कहा है वैसा करें, मूल बात तो यह है ना, जैसा शास्त्र में कहा है वैसा करें। तो जैसा शास्त्र में कहा है वो तो इतने से भी सिद्ध हो रहा है, तो अन्य गुण करने की आवश्यकता नहीं है। अपिच तक्षणादीनी यूप कारणानी। और ये दूसरा हेतु दे रहा है, युक्ति दे रहा है सिद्धांति कि तक्षण आदि जो हैं वो यूप को बनाने वाले हैं, यूप कारणानी, उसको यूप में यूपत्व इन कारणों से आता है। न चात्र यूपे न प्रयोजनम, यहां यूप से तो प्रयोजन है ही नहीं, यूप तो बना ही नहीं रहे। अयूपो ही यूप कार्य विनियोजितव्य, इस मत का मतलब यह है कि जो यूप नहीं है खले वाली है उसको यूप के कार्य में विनियोजित करना है उसको। तस्मात तक्षणादयो न कर्तव्य आयति, ये नहीं करने चाहिए। आगे सिद्धांत ही बोल रहा है 72वें सूत्र में अपनी पुष्टि में, प्रतिषेधाच्च, बोले प्रतिषेध होने के कारण भी, प्रतिषेध करने के कारण प्रतिषेध होता है। अगर अगर खले वाली में यूप के तक्षण जोषण आदि कर्म किए जाएं तो प्रतिषेध आएगा, शास्त्र से विरोध होगा। कैसे होगा वो बता रहे हैं। इतश्चन कर्तव्य, इस कारण से भी ये धर्म खले वाली में नहीं करने चाहिए। क्यों? प्रतिषेध कृतो भवे, फिर शास्त्र के वचन का प्रतिषेध हो जाएगा। क्रियमाणेषु तस्याः खले वाल्याः, खले वाली में इनके किए जाने पर। कैसे? यत् काष्ठम खले वारण प्रवृत्तम, सा खले वाली, जो लकड़ी जो भी खलिहान में वारण में प्रवृत्त है उसको खले वाली कहा गया, अनवर्थता बता रहे हैं। तादृशी एव उपादातव्या, अल्प विराम, जब ये कहा खले वाली यूपो भवती तो जैसी खले वाली होती है वैसी ही ली जानी चाहिए, जिस किसी भी काष्ठ की और जिससे वारण किया गया बस वही ली जानी चाहिए, ये वचन से होगा। तो तादृश्या एव उपादातव्या, अल्प विराम, तक्षणे क्रियमाणे सा विनश्येत, बोले अगर उसको फिर आप तक्षण करने लगो, वो काष्ठ है बोले जी तक्षण करना चाहिए यूप कार्य, तो बोले वो फिर खले वाली तो रहेगी नहीं। तक्षणे क्रियमाणे सा विनश्येत द्रव्यांतरम जायेता, वो तो भिन्न द्रव्य हो जाएगा गुण से फेस वैसा क्या वैसा तो नहीं रहा ना, श्रुति तो उसको खले वाली कह रही है। आगे यन्न खले वारणे प्रवृत्तम, जो कि खलियान में और वारण में प्रवृत्ति नहीं हुआ है, उसमें होता ही नहीं है। आगे जोषणम तो भ्रष्टावसरम एव, जोषण का तो कोई अवसर ही नहीं है, तक्षण का तो फिर भी हो सकता था, जोषण का तो अवसर भी नहीं है। ये जोषण तब किया जाता है जब वृक्ष के रूप में होता है, अब काटने वाले होते हैं ना, उससे पहले किया जाता है। और ये वृक्ष का धर्म है, यद्यपि यूप का धर्म भी बनता है लेकिन काटने से पहले जोषण होता है। तो जोषण में क्या होता है कि जिस वृक्ष को हम वहां लेने जाते हैं यूप के लिए, तो बोले प्रीतिपूर्व को यूपीय वृक्ष से, और प्रीति से यूपीय वृक्ष का लक्षण लक्षिततया सेव्यत्व निश्चय, लक्षण लक्षित, लक्षण से लक्षित करते हुए कि ऐसा ऐसा हो और ये हो, ऐसा करते हुए आप ऐसे हैं, ऐसा करते हुए बहुत प्रीतिपूर्वक उसके सेवितव्य का निश्चय होता है कि ये आप सेवितव्य हो इस कार्य के लिए। ये इसको जोषण का जिस प्रीति सेवन है हो, तो पहले तो प्रीतिपूर्वक कर रहे हैं और सेवितव्य का निश्चय कर रहे हैं। जो जुष प्रीति सेवन है ना, तो एक तो हम अलग अलग अर्थ लेते ही हैं, प्रीति अलग और जोश सेवन अलग। यहां देखो उसके साथ क्या जोड़ा है इन्होंने, प्रीति पूर्वक सेवन का निश्चय करना, ये जोषण के अर्थ में लिया। तत्कारी च भवान तद्वेशी वाली बात नहीं, सेवन भी कर रहे हैं और द्वेश भी करते जा रहे हैं उससे, तो प्रीतिपूर्वक और कि हाँ आप इससे ये प्रीति है, हम इसको पसंद करते हैं और हम आपको स्वीकार करें, हम इसका इसमें सेवन करेंगे, इसको लेंगे यहां से। तो यूपीय वृक्ष का किया जाता है ये जोषण, है तो यूप का धर्म कि यूप वो बनेगा जिसमें इस प्रकार से काष्ठ लिया जाएगा, है तो यूप का धर्म, लेकिन ये यूपीय वृक्ष में जोषण किया जाता है, अभी उसको काटा नहीं है। तो बोले कि ये तो भ्रष्टावसर है,
इसका तो कुछ प्रसंग ही नहीं है, क्योंकि वो तो कटकुटा करके लगा हुआ है, गड़ा हुआ है वहां पर, तो जोषण तो हो ही नहीं सकता है। तो जोषणम तो भ्रष्टावसरम एव जोषितम तत् अन्यार्थे नैव। और ये जो काष्ठ है खले वाली, वो अन्य कार्य के लिए जोषित हो चुका है, उसको जब लाए होंगे तब कहा कि भाई हाँ इससे हम खूंटा बनाएंगे, इस रूप में वो जोषित हो चुका है। हाँ ये लकड़ी अच्छी है, ये खूंटे के लिए अच्छी है, हम वहाँ काटते हैं जाते हैं तो बोलते सोचते नहीं है क्या कि अच्छा हमारे को खूंटा करना है, खूंटा ऐसा होना चाहिए। खूंटे में एक विशेषता होती है ना, कोई भी सीधी लकड़ी नहीं होती, उसके ऊपर वो कई वो यूँ कटा हुआ रखते हैं उसमें, ताकि बांधने में सुविधा हो। वाई आकार का है ना, भी ऐसे ऐसे होते हैं ना खूंटे, या सीधा होता है तो फिर उसमें फिर छेद करते हैं ताकि रस्सी निकले नहीं उसके लिए। जैसा भी है, यानी प्रयोजन है पशु को बांधना, उस प्रयोजन को ध्यान में रखते हुए काटने से पहले मन में ये भाव रहता है ना, निश्चय रहता है अच्छा ऐसा ऐसा लेना है, तो उसमें प्रीति, हाँ ये अच्छा है इसको लेना है, तो हमारी प्रीति पैदा हो गई उसके अंदर और हमने कहा इसको लेंगे, ये लेकर के आए, तो वो उसका जोषण तो अन्य कार्य के लिए हो चुका है। जोषितम तद अन्यार्थे नहीं वह वृक्षाणाम ही जोषणम न तो विकारस्य है। बोले जोषण क्रिया तो वृक्ष की होती है, विकार की नहीं, विकार मतलब तो यूप की जोषण क्रिया नहीं होती है, वृक्ष की होती है वो, न तो विकारस्य। उच्छ्रयणम च उच्छ्रिताया अशक्यम एव। उच्छ्रयण भी एक धर्म होता है, उसको यूं उठाते हैं, लेटा हुआ रहता है ना यूप को जब गाड़ते हैं तो उसको करके उठा करके, वो भी एक धर्म माना गया है उसको। तो बोले ये तो उठा हुआ है ही, गड़ा हुआ है तो उठा हुआ पड़ा थोड़ा है ये, तो उच्छ्रितम च उच्छ्रित अच्छा उच्छ्रयणम च उच्छ्रिताय अशक्यमेव, जो खड़ा है उसके लिए क्या करना है। तस्मात् तक्षणादेव न कर्तव्याय थी, इसलिए तक्षणादि धर्म नहीं करने चाहिए। ठीक है, अब सिद्धांती पलटी बहुत मारता है, ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए, तो कहा कि उत्तर सारे जो हैं बाद वाले अन्य धर्म परेशान प्रतिषेध से अन्यों का प्रतिषेध होना चाहिए। अगला अधिकरण ये 33वां है, खले वाल्याम पर्यूहणादि संस्काराणाम अनुष्ठानाधिकरण। अब यूप में पर्यूहण आदि भी कुछ धर्म है, अभी पिछले अधिकरण से क्या लगेगा कि सारे ही धर्मों का इन्होंने निषेध कर दिया, अब इसकी अतिव्याप्ति हो रही है तो उसको रोक रहे हैं कि कुछ इन धर्मों को तो करना चाहिए। पर्यूहण आदि कुछ संस्कार हैं उनका तो अनुष्ठान करना चाहिए। सूत्र 73वां, अर्थाभावे संस्कारत्वम स्यात्। अर्थ का अभाव होने पर, अर्थ का अभाव होने पर अर्थाभावे अपि को यहां पर लेंगे, अपि का भाव है अर्थाभावे अपि, यानी कार्य का अभाव होने पर भी संस्कारत्वम स्यात्, ये संस्कार तो होने ही चाहिए वहां पर। इसमें सूत्र में पाठभेद भी मिलता है, कुतूहल वृत्ति में अर्थाभावे असंस्कारत्वम से आते हैं, संस्कार की जगह असंस्कारत्व लिखा है, और उसमें फिर अर्थाभाव का मतलब, अर्थ का मतलब है प्रयोजन का अभाव होने से असंस्कारत्वम से आते, ऐसा कुछ वहां अर्थ निकलेगा। हाँ उसमें इसमें यदि जोड़ेंगे, फिर यदि अर्थ का प्रयोजन का अभाव हो तो असंस्कारत्व हो, लेकिन अगर कुछ प्रयोजन है तो संस्कार तो हो जाए, कोई बात नहीं है, पर अभी ऐसे ही लेके चलते हैं। अर्थाभावे संस्कारत्वम स्यात्। खले वाल्या में एव संदेह, उसी में ये संदेह है खले वाली में, किम मैत्रावरुण दंडेन भूमे हे समक्रिया अत्भि अवसेचनम बलवत अवधानम अंजनम इत्येवमादय पदार्थ कर्तव्या उतना इति। तो यूप के संदर्भ में ये कार्य किए जाते हैं। पहला इन्होंने बताया मैत्रावरुण दंडेन भूमे समक्रिया, मैत्रावरुण नाम का एक दंड है उससे भूमि की समक्रिया करते हैं। समक्रिया का मतलब हो गया जो ऊंचा नीचा है वो ठीक करते हैं, गड्ढा है उसको भर देते हैं, ये पहले किया जाता है उस स्थान का। अद्भिर अवसेचनम, और पानी से उसको सींचा जाता है, छिड़का जाता है वहां पर। और फिर बलवत अवधानम, बलपूर्वक उसको गाढ़ा जाता है अच्छी तरह, बलपूर्वक मतलब जो स्थूणा निखनन न्याय था उसको कूट के उसको जब हिलाते हैं, हिला करके उसको दृढ़ीकरणार्थ
ये सब जो करते हैं मजबूत करते हैं, वो भी एक धर्म है यूप का गाड़ते समय। तो बलवत अवधानम और अंजनम, मतलब उसमें उसको चिकना करना, ये अंजन हो गया, यानी अभ्यंग, अंजन मतलब यहाँ अभ्यंग अभ्यंजन। इत्य मादय पदार्थ कर्तव्य होता ना इति किम प्राप्तम, पूर्व पक्षी कह रहे हैं न कर्तव्य इति, नहीं करने चाहिए, क्यों, परेशान प्रतिषेध सद इत्युक्तम, अभी तो आपने कहा था परेशान प्रतिषेध सद, सब गुणों का धर्मों का निषेध हो जाना चाहिए। तो यादृशः खले वारणे वर्तते, जिस प्रकार का खल के वारण में वर्तमान है, कौन, खले वाली, तादृश एव यूप कार्य विनियोक्तव्यो अयूप, वैसा ही यूप कार्य में प्रयोग किया जाएगा अयूप होता हुआ। तो ये भी सिद्धांति की बात ही बोल रहा है वो पिछले अधिकरण की, यूपार्थाश्च चोदक प्राप्ता संस्काराः तस्मिन् निवर्तेरन इति। तो यूप के जो अर्थ हैं जो कि चोदक से प्राप्त थे, धर्म कार्य जो थे वो संस्कार हैं, और तस्मिन् निवर्तेरन इति, उसमें यानी खले वाली में निवृत्त हो जाने चाहिए, आवश्यकता ही नहीं है, खले वाली जैसी है वैसी की वैसी प्रयोग करनी चाहिए, ये आपने कहा था, तो ये भी नहीं करने चाहिए, सिद्धांति कह रहा है। एवं प्राप्ते ब्रूमः अर्थाभावे कार्याभावे, ये सूत्र में अर्थाभावे लिखा हुआ है, अर्थाभावे उसी को इन्होंने खोला कार्याभावे, कार्य का अभाव होने पर, अर्थ यानी कार्य, इसी को और आगे खोल रहे हैं, यदि खले वाल्याः तही संस्कारी कार्यम न भवति ततो यूपत्वमेव तेषां निमित्तं स्यात्। मतलब यदि खले वाली का तही संस्कारी, उन कार्य संस्कारों से कार्यम न भवति, कोई कार्य न हो, प्रयोजन न हो, ततो यूपत्वमेव तेषां, तो फिर उनका, तेषां मतलब उन संस्कारों का यूपत्व ही निमित्त होवे, यानी यूप बनाने के लिए ही वो प्रयोग किए जाएं। खले वाल्यम न भवे यु, खले वाली में वो नहीं हो, ऐसा सामान्य रूप से। लेकिन यह पुनर्भूमे समक्रियया, यहां पर भूमि की समान क्रिया के द्वारा अद्भि अवसेचने न और जल को सींचने से बलवत अवधाने न च, तो की जगह च और उसको हिला करके मजबूत दृढ़ करने में, इसमें अवधाने न च, चा के बाद में कुछ और जोड़ना या छूट गया है, नीचे लिख लीजिए अलग से, कार्यमस्ति दार्ढ्यम, कार्यमस्ति दार्ढ्यम, पूर्ण विराम, आगे और लिखिए, शिथिला ही सा खले वारणेन भवति, शिथिला ही सा खले वारणेन भवति, पूर्ण विराम, आगे लिखिए न च, न च, तो जो मैंने अतिरिक्त लिखवाया यह है, कार्यमस्ति दार्ढ्यम, पूर्ण विराम, शिथिला ही सा खले कारणेन भवति, खले वारणेन भवति, पूर्ण विराम, न च। अब पंक्ति को देखिए, बलवत अवधानेन च कार्यमस्ति दार्ढ्यम, ये जो बलवत अवधान है उससे यहां पर कार्य है, प्रयोजन दृढ़ता करना, क्यों दृढ़ता करनी है, कि शिथिला ही सा खले वारणे न भवती, अब वो जो बांध रखा है उससे बैल वगैरह को जो बांधते हैं उससे वो ढीला हुआ हुआ है, क्योंकि बैल वगैरह होते हैं तो थोड़ा झटका मारते हैं, थोड़ा खींचते ही हैं, तो अभी वो उतना दृढ़ नहीं है, प्रयोग में आ चुका है इसलिए थोड़ा थोड़ी दृढ़ता ढीलापन उसमें हो सकता है। आगे न च खले वाली इति उपघ्नंती, और ऐसा करने से उसके खले वालित्व में कोई उपघात नहीं होता, यानी उसका खले वालित्व नष्ट नहीं होता है इसको करने से, तो ये धर्म तो करना चाहिए, तस्मात कर्तव्य, इसलिए ये धर्म करने चाहिए। अंजनम अपि अनुपघातकम, और उसमें आप चिकनाई लगाओगे तो वो भी खले वाली का उपघातक तो होगा नहीं। चोदक प्राप्तम क्रियमाणम अधिकाय गुणाय स्यात्, और अतिदेश से जो प्राप्त है ये अंजन अभ्यंजन, ये अंजन तेल लगाना, ये घी लगाना, ये अधिक गुण के लिए होगा और अच्छी हो जाएगी वो, न दोष आए, दोष तो कोई है नहीं वहां पर, तस्मात तदपि कर्तव्यमिति, इसलिए अंजन भी कर लेना चाहिए, तो ये गुण वहां किए जा सकते हैं। तो इसलिए शीर्षक में क्या लेगा, खले वाल्यम पर्युहणादि संस्काराणाम अनुष्ठानाधिकरणम, जो कार्य वहां किए जा सकते हैं, खले वाले तो नष्ट नहीं हो रहा है बल्कि अच्छा ही हो रहा है,
वो कार्य किए जा सकते हैं। तक्षण नहीं किया जाएगा, तक्षण जोषण की तो अवसर ही नहीं है, और तक्षण नहीं किया जाएगा, उच्छ्रेण की आवश्यकता नहीं है। जो धर्म पीछे निषेध किए गए वो कर दिए, और जो किए जा सकते हैं वो किए जाएंगे। आगे 34वां अधिकरण, महापितृयज्ञ धानासु अवघातानुष्ठानाधिकरणम्। महापितृयज्ञ में धाना के विषय में अवघात के अनुष्ठान का अधिकरण है, उसमें अवघात करना चाहिए, यानी उसको कूटना चाहिए, चूर्ण बनाना चाहिए, ये सिद्धांति का पक्ष है। 74वां सूत्र, अर्थेन च विपर्यासे तादर्थ्यात् तत्त्वम् एव स्यात्। अर्थ के साथ विपरीतता होने पर, तादर्थ होने पर भी, तादर्थ से उसके लिए प्रयोजन होने से तत्त्वम् एव स्यात्, वही वैसा ही यहां पर होना चाहिए। भाष्य, अस्ति महापितृयज्ञः, पितृयज्ञ का वर्णन आगे दिया है, विपरीत अल्पविराम में लीजिए, सोमाये पितृमते षट्कपालम्, पितृभ्यो बर्हिभ्यो धाना, पितृभ्यो अग्निश्वात्तेभ्यो अभिवान्यायी दुग्धे मंथनम इति। बंद कर लीजिए। पितृमते सोमाय, ये चूंकि महापितृयज्ञ का वर्णन है तो पितरों का वर्णन है, तो सोम पितृमान के लिए षटकपाल करें, पितृभ्यो बर्हिद्भ्यो बर्हिषद्भ्यो, जो बर्हिषद पितृ हैं उनके लिए धान, जो अग्निश्वात्त पितृ पितर हैं उनके लिए अभिवान्यायी दुग्धे मंथम इति, उनके लिए मंथ हो, तो मंथ किस में हो, अभिवान्या के दुग्ध में। अभिवान्या का मतलब होता है जिसका वत्स मर चुका है और अन्य के वत्स से अब वो दूध दे रही है, ऐसी अभिवान्यायी दुग्धे। अभिवान्या इसके लिए बोलते हैं, अभिप्राप्तो अन्य वत्सो यस्याहगो, अभिप्राप्तो अन्य वत्सो यस्याहगो, दूसरा वत्स जिसको प्राप्त हुआ है, यानी खुद स्वयं का मर गया है, उसका मृत वत्सा है वो, उसके दूध में मंथ का प्रयोग किया जाता है। इसमें जो कुछ शब्द हैं उसके लिए नीचे इन्होंने टिप्पणी दी है, सबसे नीचे अंतिम से दूसरी पंक्ति, मंथ इति। मंथ क्या है, दुग्ध मिश्रा सक्तवो मंथाः, दूध में मिले हुए जो सत्तु हैं उनको मंथ नाम से कहा। धाना पिष्टानी सक्तवा, धान जो पिसे हुए होते हैं, भुने हुए जो होते हैं, वो पिसे हुए भी हों तो उनको सक्तवा सक्तु बोलते हैं, सत्तु नाम से जो प्रचलित है। और भर्जित यवा धाना, और जो यव भुने हुए होते हैं उनको धान शब्द से कहा जाता है। तो इसमें कहते हैं धाना इत्यत्र संदेह, धान के विषय में संदेह है, पितृभ्यो बर्हिषद्भ्यो धाना, इतने अंश में संदेह प्रश्न उठाया है। किम धानासु हंति ही कर्तव्य उतना इति, धान में हनन क्रिया करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। किम प्राप्तम, तो पूर्व पक्षी कहता है न कर्तव्य इति, कुतः विधानात, विधान होने से, कैसे क्रियमाणे हंतौ धानात्वं विहन्येता, अल्प विराम, सक्तवो ही भवेयुः, तस्मात् न कर्तव्य इति। बोले इसमें अवनन क्रिया कर देंगे, कूट देंगे तो ये धान नहीं रह पाएंगे, जबकि श्रुति क्या कह रही है, पितृभ्यो बर्हिषद्भ्यो धाना, धान का प्रयोग है। जैसे वहां पर पीछे तंडुल आया था तो पिष्टमय नहीं था, पूर्व पक्षी ने भी कहा था इसको पिसना नहीं है, ऐसे ही रहने, यहां पर भी धान है तो जिस अवस्था में धान संज्ञा होती है वैसा ही रखना है, पीटने कूटने से तो चूर्ण हो जाएगा, धान संज्ञा नहीं रह पाएगी, इसलिए इसका अवघात नहीं करना चाहिए। जबकि प्रकृति में अवघात किया गया है, प्रकृति में तो कूटते हैं पीसते हैं फिर पुरोडाश बनाते हैं ऐसे, एवं प्राप्ते ब्रूमा, इस पर सिद्धांति कह रहा है, उक्तम अभिघातकम अधिकाय गुणाय कर्तव्यम। इसमें चूंकि उक्तम अभिघातकम, ये जो कहा हुआ अभिघातक, इसको यूं लेते हैं अर्थ, उक्तम का मतलब है यत उक्तम तत्, उक्तम मतलब जो कहा गया है वह, यत
को जोड़ेंगे उक्तम से पहले और उक्तम के बाद में जोड़ देंगे तत्, यद उक्तम तत् अभिघातकम, वो हानिकारक नहीं है। ये अभिघातक मतलब वो कूटने वाला का निषेध नहीं है कि वो कूटेगा नहीं, कूटने का तो पक्ष ले रहा है सिद्धांति। तो ये जो अवहंती है उसका अवहनन करना है, चूर्ण बनाना है, ये अभिघातकम यानी अहानिकारक है ना, अधिकाय गुणाय कर्तव्य, लेकिन अधिक गुण हो उसके लिए करना चाहिए, इसको पीसना चाहिए। कैसे? अंजन वदिति, अभ्यंजन के समान, जो मालिश करते हैं उसके समान। पूर्व पक्षी कह रहे हैं आह अंजनम अभिघातकम, बोले ठीक है, पीछे अंजन की बात आ गई थी ना, तेल लगाने की, चिकनाई लगाने की, वो अभिघातक होता है। तो पूर्व पक्षी कह रहे हैं अंजनम अभिघातकम, ठीक है अंजन तो अभिघातक होगा, हंतिस्तु धानात्म विहंती थी, लेकिन हनन तो धानात्व को नष्ट कर देगा, धान तो धान नहीं रहेगा। इस पर सिद्धांत कह रहे हैं अत्रोच्यते यथान विघातकम भवति तथा करिष्यते, हम ऐसे करेंगे कि उसका विघात नहीं हो। कैसे करेंगे? धीरे धीरे मारेंगे। स्वामी जी देखो क्या कहते हैं, यथान विघातकम तथा करिष्यते, विपर्यसिष्यते तथा न विहनिष्यते, इसको बदल देंगे और बदल देने पर, तथा सती बदलने पर इसका हनन नहीं होगा। अब विपर्य कैसे करेंगे बताएंगे अभी। तो विपर्या से क्रम प्राप्तम न कृतम भवति पदार्थस्तु न भवति, पदार्थस्तु न निवर्तते। हाँ बोले जब विपर्यास करेंगे तो उसे क्रम तो ठीक है नहीं किया गया है, आगे पीछे कर देंगे उसको, तो क्रम तो बदल ही गया, लेकिन पदार्थस्तु न निवर्तते, पदार्थ यानी जो धान है वो तो नहीं नष्ट होगा, यानी वो तो रह ही जाएगा, दोष नहीं आएगा। एक तरफ क्रम को बदलें वो भी दोष है, एक तरफ द्रव्य को बदल दें वो भी दोष है, क्रम को बदल दें तो इसमें कई बार हम कह देते हैं ना, इसमें क्या हुआ, पदार्थ मतलब कर्म है, इसका विपर्यास करेंगे, पदार्थ मतलब कर्म का तो कर्म तो हट नहीं जाता है, वहां पर कर्म तो रहेगा, उसको आगे पीछे कर लेंगे। तदुक्तम, क्योंकि ये कहा गया है पीछे, आगे का मतलब आगे, ये 63वें सूत्र में पीछे आ चुका, गुण लोपे च मुख्य क्रिया भवती, मुख्य के प्रयोग में, गुण के लोप में मुख्य की क्रिया हो जाती है, मुख्य को कर लेते हैं, गुण का लोप होता है तो हो जाता है। तो क्रम और कर्म इन दोनों में से मुख्य कौन सा, कर्म और क्रम इन दोनों में से मुख्य कौन सा? अगर क्रम हमारा टूट भी रहा है शास्त्र में जो कहा गया है, तो भी हम कर्म करें ये अच्छा है, और क्रम टूट गया तो बोले जी अब तो चूंकि क्रम टूट गया है इसलिए तो मैं कर्म भी नहीं करूंगा, भोजन का समय तो निकल गया 11:30 बजे 12 बजे, अब 1 बज गए 2 बज गए तो अब तो समय निकल गया इसलिए मैं भोजन नहीं करूंगा। भोजन में तो फिर भी चल जाता है, वो कोई कहे कि जी मैं यज्ञ नहीं करूंगा, वो कहे मैं जी मैं उपासना नहीं करूंगा, इत्यादि बातें, मैं सोऊंगा नहीं। अब ये गौण मुख्य का निर्णय करने की बात होती है। वैसे तो बहुत बोला जाता है अध्यात्म में कि गौण और मुख्य में मुख्य को लेना चाहिए, गौण को छोड़ देना चाहिए, लेकिन ऐसी चीजों में व्यक्ति गुण को पकड़ लेते हैं, मुख्य को छोड़ देते हैं, समय निकल गया अब नहीं, भाई समय मुख्य था या भोजन मुख्य था, क्या मुख्य था? बोले नहीं जी, अब वो मुख्य था वहां क्या, व्रत की ले लेते हैं, नहीं मैंने व्रत ले रखा है और शास्त्र में आयुर्वेद में कह रखा है कि भोजन समय पे ही करना चाहिए, काल भोजनम आरोग्य करना, ठीक है घड़ी देख करके, अंग्रेज लोग 12 बजे भोजन करते हैं ऐसा सुना जाता है, घड़ी देख करके इधर उधर नहीं करते, खाने के बड़े पक्के होते हैं, वो समय पे खाते हैं, बोले तभी तो विश्व में उनका राज्य हुआ था, थोड़ा सा इधर उधर हो जाए तो भोजन नहीं, नियम टूट जाता है ना। अब वो गौण और मुख्य का भेद है कि गौण किसको करें हम, तो मुख्य को करना चाहिए, गौण को छोड़ देना चाहिए, एक सामान्य नीति उचित है ये। तो ये जो क्रम है, क्रम
का विपर्यास होने पर भी पदार्थ तो नहीं होता, नष्ट नहीं होता इसमें। तदुक्तम गुण लोपे च मुख्य क्रिया भवति, मुख्य क्रिया फिर भी हो जाती है। हाँ, मुख्य का लोप होने पे गुण की क्रिया हट सकती है। अब भोजन का ही लोप हो गया तो 12 या 11:30 करना है, उसका तो लोप होना ही है, उसको क्या बचा करके रखोगे। तो तस्मात पूर्वम हंतिम कृत्वा पाकः कार्यः, तो यहां पर पहले अवनन क्रिया कर लेंगे और फिर पाक को करेंगे। तत्र ही हंति पाकार्थो भविष्यति न धानात्म विहनिष्यति इति। ये जो हनन क्रिया है ये पाक के लिए हो जाएगी, पाक के लिए उसको तरकी कूट के पकाएंगे तो अच्छा। अभी पितरों के लिए कर रहे हैं ना, वहां थोड़ा मोटा मोटा यूं दे देंगे तो चबाएंगे कैसे हो, और पचेगा भी कैसे, जठराग्नि की दृष्टि से भी और दांतों की दृष्टि से भी। उनको तो पीस के नरम करके ही देना पड़ता है, वो देना पड़ेगा उनको। तो उससे धान का निषेध नहीं हो जाता है, धान धान है, धान ही लिया गया है। अब जो पीसना है वो धानत्व को नष्ट करने के लिए नहीं है, धान ले लिया, अब वो तो पकाने के लिए, अच्छी तरह से पक जाए, अच्छी तरह से गल जाए। तस्मात पूर्वम हंति कृत्वा पाकः कार्यः, तत्र ही हंति पाकार्थो भविष्यति न धानत्व विहनिष्यते। हम कहें कि धान को हम ले रहे हैं उससे पहले ही पीस दो उसको, तो पहले पीस दिया तो अब धान धान नहीं रहा, तो लिया क्या हमने, तो पिसा हुआ लिया। तो भाई पहले धान ले लो, धान का विधान हो गया पूरा, पीसना जो है वो बाद में कर लो, पाक के साथ में जोड़ करके कर लो उसको, उसको पाक का धर्म मानो, न कि व्रीही का, धाना का। तो इसलिए ये तो यहाँ पर करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये इन्होंने बताया। देखिए धर्मवीर जी प्राय बोला करते थे इसमें संस्कार विधि में, महर्षि ने बोले यदि ये युक्ति संगत हो और आवश्यक हो तो कर लो, और आवश्यक नहीं है, अनुचित है तो मत करो। ये सब युक्ति रहती है। एक तो होता है कि नहीं वहाँ कहा है तो ये तो करना ही है, आवश्यक है, करो तो करो। जैसे आचमन के लिए भी लिखा कि यदि आलस्य आदि होता हो तो करो, नहीं तो नहीं। पर उसमें कई जने फिर बड़ा आग्रह करते, नहीं आचमन तो होना ही चाहिए, क्योंकि वहाँ साथ में लिखा है कि कफ की निवृत्ति, कंठ की शुद्धि, उच्चारण फिर ठीक हो सकेगा, तो उसके लिए ले लेना चाहिए। गला भी तर रहता है, बोल रहे हैं काफ़ी देर तक बोल रहे हैं तो सूखापन नहीं आए, सूखे सूखे में बोलते हुए हानि भी होती है, तो इसलिए आचमन बीच में कर लिया तो गले को हानि नहीं होगी। कईयों को बोलते समय बहुत दिक्कत होती है ना, पात्र रखते ही हैं, बीच बीच में पीते ही रहते हैं, मुँह सूख जाता है, और उसी में करते रहो तो फिर बाधा हो जाती है। तो ठीक है, आवश्यकता हो जितना कर लिया, नहीं है तो नहीं किया उस बात को, जो चीज़ हो सकती है वो कर लेनी चाहिए, नहीं है तो नहीं करनी चाहिए। तो इस प्रकार ये 10वें अध्याय का दूसरा पाद समाप्त होता है। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं, प्रणव कर। सभी को सादर अभिवाद, ओम शिव। द्योशान्तिरन्तरिक्षं शान्तिर्पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।